हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम आर की स्टडी इस वीडियो हम बात करेंगे एन का आपका एग्ज़ाम है एन का ठीक है और यहां पे हम नॉन टेक देखने वाले हैं तो एन में जो नॉन टेक आएगा वो साठ नंबर का आएगा ठीक है तीस नंबर का होगा रीजनिंग और तीस नंबर की होगी वो जी और करंट अफेयर्स होगी ठीक है ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं तो जी और करंट अफेयर्स देखो जी और करंट अफेयर्स जो होगा या फिर रीजनिंग होगी वो आपके देखो इंडियन ऑयल में भी आएगी जो एग्ज़ाम है आपका ठीक है इक्कीस तारीख को एस एस जेई जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें उस भी आएगी तो हम कवर करेंगे आप प्लीज़ एक बार ये देखना वीडियो और आपको अच्छा लगे तो आप ये बताना आगे कि मुझे वीडियो बनाना है ठीक है या फिर नहीं बनाना है पहले आप देख लेना कि आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं ठीक है ये पार्ट वन है तो देखिए ये पार्ट वन है हम पार्ट फिर आगे आगे बनाते जाएंगे जैसे आपको सही लगे वैसे तो देखिए सबसे पहले और देखो हिंदी में रहेगा ये वीडियो इंग्लिश में मैं नहीं ले आऊँगा और ये सब टाइपिंग करा हुआ है बहुत मतलब मेहनत से बनाता हूँ ये सारी चीज़ें तो देखिए हिंदी इंग्लिश वाले आप किसी को भी अदर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो आप चाहो तो बाकी मैं हिंदी में करा रहा हूँ देखो इनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एमेजिडर कौन से हैं देखो ब्रांडर एम्बेडर होते हैं वो पूछे जाते हैं तो मैं सारे ब्रांड ब्रांड एमेजर कराऊंगा पहले इसमें से आंसर बताइए आप क्या होगा ठीक है आंसर बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एमेजर कौन से हैं तो इसमें देखिए कौन है अवनी लखेरा लखे है ठीक है अवनी लखेरा है ये पैरा ओलंपिक है ना पैरा ओलंपिक उनमें इन्होंने दो मेडल जीते थे ठीक है टू मेडल जीते थे एक तो सबसे पहले गोल्ड इन्होंने जीता था शूटिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल है इनके पास ठीक है तो दो मेडल मेडल है ध्यान रखना अवनी लखेरा इम्पॉर्टेंट है और अवनी लखेरा ने सबसे समापन में मतलब पैरा ओलंपिक समापन है वहीं वहाँ पर भी ध्वज वाहक रही हैं ये ठीक है याद रखना बाकी देखिए यहाँ पे उसकी पी भी आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा ठीक है देखिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसके जो हैं नाडा बोलते हैं इसको एन ए डी ए नाडा बोलते हैं इनके जो ब्रांड एम्बेसिडर है वो सुनील सेट्टी हैं ठीक है थीके? उसके बाद देखिए आरोग्य सेतु देखिए आरोग्य सेतु है आरोग्य सेतु के जो ब्रांड एम्बेसिडर है वो अजय देवगन है इसके बाद देखिए धोखाधड़ी को रोकने के लिए आर ने किसको बनाया आर नीरज चोपड़ा को बनाया ठीक है ब्रांड एम्बेस्टर किसको बनाया है नीरज चोपड़ा को बिलीव इन स्पोर्ट इसके जो ब्रांड अम्बेसिडर है वो पीवी सिंधु और मिशाली हैं और इसके बाद सड़क सुरक्षा अभियान है इनके ब्रांड अम्बेसिडर अच्छा हैं अक्षय कुमार उसके बाद देखिए मेंटर अभियान है ठीक है मेंटर अभियान है उनको बनाया सोनू सूद मतलब दिल्ली में दिल्ली से स्टार्ट हुआ है ये मैंटर अभियान उसके बाद देखिए ब्रेक थ्रू पहल ब्रेक थ्रू पहल के जो ब्रांड एम्बेसिडर है वो ए रहमान है ठीक है उसके बाद देखिए एम इंडिया एम इंडिया के जो क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसिडर है वो मीरा भाई चानू है मीरा भाई चानू जानते होंगे आप सभी लोग तो मीरा भाई चानू ने सबसे पहले क्या किया था आ, जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को ठीक है कौन सा मेडल जीता मेरा, मीरा भाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था या फिर ब्रॉन्ज मेडल आप बताए बताओगे ठीक है ए यू स्मॉल फाइनेंस आपको ऐड भी देखा होगा एक आमिर खान ऐड लेके आते हैं ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो आप आमिर खान है इसके ब्रांड एम्बेसिडर उसके बाद देखिए मिंत्रा डॉट कॉम ये शॉपिंग साइट है तो इसकी ब्रांड एम्बेसिडर है आलिया भट्ट कौन है आलिया भट्ट उसके बाद देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में इनकी जो ब्रांड एम्बेसिडर है वो कंगना रनावत है ठीक है तो सारे ब्रांड एम्बेसिडर मैंने एक बारहवीं करा दी है स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं होगी इससे यहाँ से ठीक है तो इस तरीके से मैं आपको करंट अफेयर्स या फिर जीके के के दोनों कराने वाला हूँ और रीजनिंग भी कराऊंगा आपको ठीक है बस आप साथ बने रहिए और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब भाई अगर वीडियोस अगर आपको सही लग रहा है आप तो लाइक कर देना इसको चाहो बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं बाकी पुराने तो हैं ही मेरे दोस्त चलो देखो पुलिज्जर पुरस्कार किससे संबंधित देखो ध्यान रखना यहाँ पर पूछा है पुलिज्जर पुरस्कार पूछा है तो किससे संबंधित होता है बताइए सभी लोग बताओ पुलिज्जर पुरस्कार जो होता है स्टैटिक जीके का है तो किससे संबंधित है पत्रकारिता से ठीक है सी ऑप्शन हो जाएगा पत्रकारिता से संबंधित है सभी लोगों ने आंसर दिया है बाकी देखिए आगे देखते हैं तो मैं सारे अवार्ड हैं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ मैं ग्रैमी अवार्ड होता है तो ग्रैमी अवार्ड होता है संगीत से ठीक है अब मैंने मैं आपको बता दूँ कैसे याद करना है देखो यहाँ इसका जो जी है ना गा और इसका ये पहले वाला गा ये याद रखना ग्रैमी तो संगी गीत ठीक है इस तरीके से आप एक इमेजन कर सकते हो और याद करने का तरीका उसका देखिए प्रत्येक यहाँ देखिए भाई देखो यहाँ पे इस मिस्टेक हो गई ये है ये प्रत है ठीक है प्रत्यर कर ऐसे करके वो लुखा होता है ठीक है तो ये प्रतजर कर है जा बनेगा यहाँ पे उसके बाद फिर का का बनेगा तो प्रतजर पुरस्कार होता है वो वास्तुकला से होता है वास्तुकला मतलब आर्टि आर्किटेक्चर होते हैं उससे रिलेटेड होता है ठीक है पुलिजर पुरस्कार होता है पुलिज्जर पुरस्कार होता है पत्रकारिता से जो अभी मैंने आपको बताया है उसके बाद देखिए एम ई अवार्ड होता है एम ई अवार्ड होता है टेलीविजन से और एबल पुरस्कार होता है वो गणित से संबंधित होता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है अब ये पुछ सीधे पूछ लिया जाएगा कि किससे संबंधित है चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीन देखते हैं चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है देखिए बगराम एयरफील्ड आपको सभी को पता एक बहुत बड़ा एक इशू हुआ था बहुत बड़ा एक घटना हुई थी इवेंट क्या हुआ था अफगानिस्तान में ठीक है वहाँ के जो अफगानिस्तान में अटैक हुआ था तालिबानों का तो उससे रिलेटेड बगराम एयरफील्ड है वो अफगानिस्तान से संबंधित है सी आंसर इसका हो जाएगा बाकी हम देखते हैं बगराम एयरफील्ड यहाँ पे मतलब अफगानिस्तान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देखिए ध्यान से देखना यह अफग़ानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डा था मतलब बगराम एयरफील्ड था वो सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डा था इसकी दूरी जो थी ग्यारह किलोमीटर लंबा था ये ठीक है अमेरिका की सेना ने लगभग बीस साल के बाद अफगानिस्तान के बगराम एयर क्षेत्र को छोड़ दिया बगराम देखा है गाँव ने ठीक है बगराम छोड़ दिया यह एयरवेज तालिबान और अलकायदा आतंकवादी संगठन के खिलाफ अमेरिकी सेना का युद्ध का चल रहा था ठीक है यहाँ पे तो ये चीज़ें हो गई बाकी देखिए इम्पोर्टेंट क्या है इम्पोर्टेंट क्या है? देखो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है अफगानिस्तान की जो भाषा है वो पास्तो भाषा है देखिए पास्तो भाषा ठीक है, है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है वो हेलमन नदी है अफगानिस्तान के तीन बांध है कौन से सलमा बांध सैतुत बांध और सल यहाँ पे क्या है देखिए थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे एक बांध और रह गया है ठीक है आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या है ठीक है अफगानिस्तान की संसद का जो नाम है वो शोरा है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी थे पहले लेकिन तालिबान का जो अटैक हुआ था वो ये देश छोड़ के भाग गए थे तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो देश छोड़ के भाग गए थे वे कौन थे ठीक है तो ये हैं अशरफ गनी याद रखना इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट है बताइए इसका आंसर टोक्यो तो ओलंपिक दो भारत के लिए पहला पदक किसने जीता तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा किसने जीता सबसे पहला पदक बताइए नेत्राकुंडम ने जीता या फिर भावना देवी ने या फिर पी सिंधु ने या मीरा भाई चानू बताइए भाई तो देखिए सबसे पहले किसने जीता है मीरा भाई चानू ने ठीक है इंपॉर्टेंट है वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में अब कौन सा पदक जीता वो अभी सब बताऊंगा आपको तो मीरा भाई चानू इसका आंसर सही हो जाएगा बाकी देखते हैं देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें डिटेल में लिख रखी है मैंने चौबीस जुलाई दो को मीराबाई चानू ने ओलंपिक के इतिहास में वेट वेट लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने उनचास किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता छब्बीस वर्ष की मीराबाई चानू है और सतासी किलोग्राम और क्लीन एंड क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 किलोग्राम भार उठाकर 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में कुल 202 का स्कोर बनाया ठीक है तो उन्होंने कितना यहाँ पे क्या चीज़ है एक क्लोरा में भार उठा के और फाइनल में कितना स्कोर बनाया उन्होंने दो सौ दो का ये याद रखना उसके बाद देखते हैं यहाँ पे तो क्या जीता था इन्होंने सिल्वर मेडल तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ देखो नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था गोल्ड ठीक है भाला फेंक में सतासी पॉइंट फाइव मीटर इन्होंने भाला फेंका था ये याद रखना ठीक है सात अगस्त को क्या बनाते हैं जेवलियन थ्रो या फिर भाला फेंक दे डिवस बनाते हैं ठीक है ये चीज़ हो गई यहाँ पे बाकी देखते हैं आगे आगे देखिए आगे यहाँ पे क्या है से आ, मीरा भाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है सिल्वर मेडल ये लिखा हुआ है रवि कुमार दैया ने कौन सा मेडल जीता था सिल्वर मेडल पी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और बैडमिंटन से संबंधित है ये कुश्ती से संबंधित है ये वेट लिफ्टिंग से वजन उठाने वाली ठीक है ये दिख रहा होगा आपको सभी को बाकी देखिए आगे यहाँ पे यहाँ पे जो हॉकी खिलाड़ी है ठीक है हॉकी खिलाड़ी है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और लवलीना बॉर्कॉन ठीक है बॉक्सिंग से रिलेटेड है देखो बॉक्सिंग वाला फोटो है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाकी देखिए बजरंग पुनिया है ठीक है इन्होंने कुश्ती से ठीक है ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में तो याद रखना इनको ये सात मेडल जीते हैं ठीक है वन प्लस टू प्लस फोर तो बराबर सात देखिए वन गोल्ड है टू यहाँ पे सिल्वर है और चार ब्रॉन्ज है ठीक है याद रखना ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फाइव बताइए सभी को आंसर बताना देखो ईमानदारी से सभी आंसर दीजिए और पढ़ रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताना तो वीडियो में बनाऊंगा और नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिर मैं टेक्निकली कराऊंगा ठीक है टेक्निकल भी कराता रहूँगा मेरा मतलब यह था कि आपको दोनों चीज़ में कराता रहूँगा तो अच्छी बात है तो कम से कम साठ नंबर इससे अगर कवर होते जाएंगे कुछ तो मिलेगा आपको देखो सब चैनल वाले आपको एक अनुमान में कराएंगे सारी चीज़ें ठीक है जहाँ तक जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहा है तो आपको जहाँ तक जो जिससे आप देखते हो वहाँ पे आप देखो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भी देखो आप ठीक है और भी चैनल आता उनके भी देख सकते हो आपको कवर करनी है चीज़ें आप अब पर डिपेंड करता है कितना आप पढ़ पा रहे हो ठीक है जीके का कोई वो वो नहीं है ठीक है बहुत बड़ा जीके बहुत बड़ी होती है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ ठीक है समझ गए आप कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा नब्बे परसेंट अधिक विटामिन होता है बताइए विटामिन बी होता है या विटामिन के होता है विटामिन सी होता है या विटामिन ए होता है बताइए अंडे के जैसे में पीला भाग है। होता है देखो अंडा होता है ठीक है अंडे के अंदर ये पीला भाग होता है येलो तो ये तो होता है प्रोटीन वाला ठीक है प्रोटीन होता है इसमें तो व्हाइट कलर का होता है और ये वाला जो होता है इसमें तो क्या विटामिन होता है विटामिन बी ट्वेल्व होती है ठीक है याद रखना बी ट्वेल्व अब हम देखते हैं बी ट्वेल्व के बारे में क्या होता है देखिए बी ट्वेल्व में बी ट्वेल्व में साइनो कहा जाता है बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है वो साइनोकोवाल्मिन है ठीक है और इसमें क्या पाया जाता है कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है ठीक है उसके बाद देखिए विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है मतलब एनीमिया होता है मतलब खून की कमी ठीक है विटामिन के रक्त स्तंध में सहायक होता है मतलब जैसे मान लो कि विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है ठीक है अब एक बात बताइए जैसे मान लो आपका हाथ है ठीक है मैं ऐसे छोटा सा ऐसे बना रहा हूँ मतलब फिजिकली ठीक है मतलब ये हाथ बन गया ठीक है उसके बाद देखिए देखिए ये हाथ बन गया अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो अब ब्लड निकल रहा है इस तरीके से ब्लड निकल रहा है तो ये ब्लड को रोकने में विटामिन के सहायक होती है ठीक है और कौन सी प्रोटीन यहाँ पे विटामिन को रोकने में सहायक होती है वो आपको बताना क्या होता है बताइए बत कौन बताएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना ठीक है कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी प्रोटीन यहाँ पे रोकने में सहायक होती है ये बताना है आपको तो कौन सी होती है भाई फाइब्रोनोजन ठीक है कौन सी होती है फाइब्रोनोजन फाइबर फाइब्रोनोजन प्रोटीन होती है वो रोकने में सहायक होती है ब्लड को बाकी बाकी आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि ये कोई भी बॉडी का पार्ट है इसमें आपको ब्लड फ्लो कर रहा है तो इस ब्लड को फ्लो करने करने से ज, जमने से रोकने के लिए ठीक है जमने से रोकने के लिए इसको कौन सा प्रोटीन काम में आता है ठीक है ये आपको बताना है देखिए विटामिन के का रक्त इसके अंदर में सहायक होता है विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विन है ठीक है क्या होता है फ्लोकोविन विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड और किस में पाया जाता है ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में मतलब जैसे आंवला हो गया ठीक है इसकी कमी से क्या होता है जैसे मसूड़े होते हैं मसूड़ों में क्या आता है खून आना मसूड़ों में खून आते हैं उसकी कमी हो जाती है बाकी देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड और क्या कमी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है एन आई जी एस टी नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है जैसे मान लो कि रात में नहीं दिखाई देता है ठीक है ये चीज़ हो जाती है बाकी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है अगर जैसे पूछ लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा विटामिन ए जैसे पाया जाता है तो गाजर है ठीक है मतलब ऐसे पूछता है कि बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन ए का तो गाजर है सबसे अच्छा सोर्स ठीक है याद रखना बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छः देखेंगे बताइए सभी लोगों को सही सही आंसर बताना है जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें कितनी अनुसूचियाँ थी ठीक है अनुसूचियाँ हमने पढ़ी होंगी अभी कितनी है बारह है लेकिन भारतीय संविधान जब बनाया गया था तब कितनी अनुसूचियाँ थी वो आपको बताना है क्या क्या अनुसूचियाँ थी बताइए तो तब कितनी थी जल्दी जल्दी बताओ आंसर सभी लोग तो देखिए अभी कितनी है अभी तो बारह हैं और पहले कितनी थी आठ थी तो इसका आंसर बी हो जाएगा बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शन में देखिए यहाँ पे देखिए जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब आठ अनुसूचियां थी कितनी थी आठ अनुसूचियां थी वर्तमान में कितनी है बारह है। नौवीं अनुसूची जो जुड़ी थी सबसे पहली वो उन्नीस में जुड़ी थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और भूमि सुधार से संबंधित थी क्या थी भूमि सुधार से संबंधित ठीक है नौवीं अनुसूची दसवीं अनुसूची थी वो उन्नीस में जोड़ी गई थी बावनवीं संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ी गई थी जो दल बदल से संबंधित थी ठीक है दल बदल से संबंधित थी चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सात बताना है क्या आंसर होगा बताइए सभी लोग भारत का प्रत्येक प्रत्येक का बन आ, प्रतीक ठीक है ये गलत हो गया है भारत का प्रतीक होता है ना प्रतीक वो कब अपनाया गया था बताइए पंद्रह अगस्त उन्नीस तो को या फिर छब्बीस जनवरी उन्नीस तो को छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास छब्बीस जनवरी छब्बीस अगस्त उन्नीस सौ बताइए क्या आंसर होगा भाई सभी लोग बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छब्बीस जनवरी उन्नीस ठीक है भारत का जो प्रतीक था वो अपनाया गया था छब्बीस जनवरी उन्नीस को अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है चीज़ें देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्र राष्ट्रपति का देखिए देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक है यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक ही होगा राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है ठीक है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र में कितनी चौबीस लकीरें हैं याद रखना भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव ज्योति कहाँ से लिया गया ये बहुत बार आया मुंडको फर्न सिद्ध ठीक है मुंडकों पर से लिया गया ये याद रखना चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर बताइए सभी लोग क्या आंसर होगा बताइए तीन अगस्त दो हजार इक्कीस को किसी भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक किसको चुना गया है ठीक है बताइए क्या आंसर होगा सभी को आंसर बताना है तीन अगस्त दो हजार इक्कीस को किसी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो बनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर धरती बनर्जी इसका देखिए क्या है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेड एस आई की पहली महिला निदेशक जो बनी है वो धरती बनर्जी हैं और इसको 105 वर्षों में ऐसी ऐसा पहली बार हुआ है ठीक है ये ध्यान रखना इसका मुख्यालय है वो कोलकाता में है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भागों के किस स्थान में स्थित है ठीक है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संकटग्रस्त जीव जंतुओं रेड डेटा बुक को प्रकाशित करता है ठीक है ये चीज़ होगी यहाँ पे बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इसका आंसर बताइए कौन सा राज्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब एन ई पी टू थाउजेंड ट्वेंटी के क्रियावन्न के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया क्या होगा आंसर इसका न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है सबसे पहले कहाँ पे मतलब लागू की गई है ये बताना आपको तो ये कर दी गई है कर्नाटक में ठीक है कर्नाटक में करी गई दूसरी जो करी गई है सेकंड टाइम पे वो करी गई है मध्य प्रदेश में मतलब एमपी में तो ये भी ध्यान रखना चलिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इसके पूर्व पूर्व डॉक्टर के कस् देखो इसरो के इसरो के जो पूर्व पूर्व, पूर्व प्रमुख हैं डॉक्टर कौन है कस्तूरंगन ठीक है कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता से बनी एक समिति है तो कौन सी समिति है कस्तूरीरंगन समिति इनकी सवारी से ये बनाई गई है इसका उद्देश्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की योग्य बनाना है इसके तहत वर्तमान में टेन प्लस टू के, के स्थान पर प्लस 3 प्लस 3 प्लस क्या कराया जाएगा शैक्षिक मॉडल के स्थान पर फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है ये ध्यान रखना क्या कराया जाएगा ये ध्यान रखना फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर तो एक कोड याद कर लो तिरपन चौंतीस ऐसे करके याद कर लो तो याद रहेगा ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट है चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर टेन बताइए भारत की बी बी वी वन देखो क्या है बी बी वी वन फाइव फोर नाम की पहली नेजल वैक्सीन है ठीक है नेजल वैक्सीन है नेजल वैक्सीन किसके बीच किसके किसने विकसित की है बताइए ये क्या है नेजल नेजल मतलब नाक से डालने वाली तो किसने करिए ये भारत बायोटेक ने ठीक है भारत बायोटेक ने करिए इंपॉर्टेंट है और बाकी चलिए अब हम करते हैं रीजनिंग तो रीजनिंग का आंसर आप सभी लोग बताओगे क्या आंसर होगा चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको सेट करना है जैसे फ्रांस है तो फ्रांस पेरिस है मतलब इसकी राजधानी है पेरिस तो ईरान है रियाल ये तो मुद्रा हो गई भारत में भारत मुंबई ये तो नहीं होगा चीन यूवान होगी ये तो मुद्रा हो गई मतलब लेकिन यहाँ पे क्या है ये दे रहा है आपको एक तरीके से क्या राजधानी दे रहा है ठीक है तो क्यूबा हवाना ये सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर सभी को बताना है बताइए भाई सभी को आंसर बताना है जल्दी जल्दी बताओ फूल है लाल है और कपड़ा है ठीक है क्या है फ्लावर है रेड है और क्लॉथ है बताइए क्या आंसर होगा देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है क्या कैसे हो जाएगा देखो यहाँ पे हम रख देते हैं लाल इस जगह पे लाल रख देते हैं तो कपड़ा र... यहाँ पे कपड़ा हो जाएगा और यहाँ पे फूल हो जाएगा तो देखिए लाल कपड़ा भी हो सकता है और लाल फूल भी हो सकता है मतलब लेकिन फूल कपड़ा नहीं हो सकता ठीक है ठीके? तो ये नहीं होगा यहाँ पे बाकी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं ठीक है पाँच सवाल कराने वाले हूँ इसके फिर आगे से मैं जल्दी आगे लेके आऊँगा ज़्यादा पहले आपको बताना है क्या करना है देखो साइंस का कोड दे रखा है आपको चौदह के रूप में कोटबद्ध किया जाता है तथा मैथ को दस के दस में किया जाता है तो एग्जामिनेशन को कि, क्या किया जाएगा बताइए इसका आंसर सभी को बताना जल्दी जल्दी क्या होगा देखो अगर हम साइंस करते हैं एस सी आई ई एन सी इजोटी वो होता है ई जे ओ टी बाई क्या होता है पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस क्या हो जाएगा साइंस मतलब एस कितने पे आएगा एस टी मतलब उन्नीस पे आएगा ये तीन पे आएगा ये नौ पे आएगा ये प्लस पाँच पे आएगा और एन कितने पे आता है चौदह पे तीन ई फाइव पर तो क्या चौदह हो रहा है क्या नहीं नहीं होगा ऐसे तो देखो इसका कैसे करेंगे इसको देखो इसमें कितने डिजिट हैं ये देखना है एक दो तीन चार पाँच छः सात तो सात का गुणा दो में करोगे तो चौदह हो जाएगा ठीक है उसके बाद तो देखिए यहाँ पे मैथ में मैथ में कितने डिजिट है एक दो तो तीन चार पाँच तो पाँच का गुणा आप दो में करोगे तो कितना हो जाएगा दस ठीक है ऐसे यहाँ पे देखो कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो ग्यारह इंटू दो करोगे तो कितना हो जाएगा बाईस ठीक है बाईस इसका आंसर हो जाएगा ध्यान रखना बाईस ग्यारह ही है ना देखो एक दो एक बार देख लेते हैं दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है ओके तो ग्यारह इंटू दो करोगे तो बाईस हो जाएगा तो बाईस इसका आंसर हो जाएगा ए ठीक है समझ में आ गया इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कभी कभार इसका आंसर बताओ बताओ भाई सभी लोग आंसर बताना है इसका थोड़ा दिमाग से लगाना ठीक है किस तरीके से करें देखो क्या करना है आपको भाई नौ और 4 कितने होते हैं तेरह होते हैं पंद्रह और छः कितने होते हैं इक्कीस होते हैं तो पैंतीस और यहाँ पे कितने जोड़ूंगा मैं पैंतीस में अगर यहाँ पे कितने जोड़ूँ तो मैं यहाँ पे बयालीस मिल जाएंगे तो कैसे जोड़ूंगा मैं पैंतीस में सात जोड़ूंगा ठीक है देखो सात जोड़ूंगा मैं यार यहाँ पर तो पाँच सात पाँच बार के दो हासिल एक और तीन एक चार ठीक है तो यहाँ पे सात आंसर हो जाएगा ठीक है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा चलिए तो बाकी क्या करना है आप सभी को देखो आप सभी को रेस्पॉन्स बताना है मैंने यहाँ पे यहाँ पे पंद्रह क्वेश्चन लिए हैं जीके के दस क्वेश्चन लिए हैं जीके के और पांच क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं रीजनिंग के कैसे लगे और कैसा रहा रहेगा आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा अगर लाइक मिले अच्छा व्यू आ रहा है उस पर सब कुछ आ रहा है तो मैं इसका वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा ठीक है तो आप सभी को रेस्पॉन्स बताना है कम से कम यार कम से कम पचास सौ लोगों तो बता दो कम से कम क्या रेस्पॉन्स चाहिए मतलब कि बनाना है या नहीं आगे देखो पार्ट टू है पार्ट टू में आपको इसको बना दूंगा ठीक है बस लेकिन बताना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बनाना है या नहीं बनाना है बाकी आप सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यहाँ पे बाकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा इसका टेलीग्राम पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको लिंक दे रखी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप कर लेना नहीं अगर हो रहा है अगर वहाँ से तो आपको क्या करना है सर्च करना है ए एम आर के स्टडी डी यू टी यू डी बाई ठीक है ये करना है तो इस तरीके का जो लोगो दिख रहा है इस तरीके के लोगो दिख जाएगा वो ज्वाइन कर लेना आप ठीक है तो दोनों तरीके के वहाँ उसमें ग्रुप में दोनों तरीके के ग्रुप हैं आ, अगर एम आर के मैकेनिकल करोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको भाई एक उसमें आप बात कर सकते हो कुछ भी चीज़ के लिए आप बात कर सकते हो मतलब एम आर के स्टडी में आप बात नहीं कर सकते कोई भी मतलब आ, वो एक कोई उसमें मैसेज नहीं कर सकता बाकी एम आर के मैकेनिकल में सारे मैसेज कर सकते हैं ठीक है ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई बाकी भाई सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है आपको जल्दी से टेन के सब्सक्राइबर करवाने हैं ठीक है टेन के सब्सक्राइबर करवाइए उसके बाद मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स करूँगा और वीडियो अच्छे से अच्छे लेके कर आऊँगा परेशान होने की जरूरत नहीं है बाकी प्ले लिस्ट में देखिए आप प्ले लिस्ट मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्ले लिस्ट बना रखी हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ये मैं सोचा करो कि दूसरे दूसरे मतलब जैसे मान लो कि तुम आई सी एल का देख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि तुम आई सी एल से ही अब सब सीखोगे मैकेनिकल मैकेनिकल का मतलब मैकेनिकल के क्वेश्चन है ठीक है तो आई सी एल का वीडियो देख लो सारे और एन एच पी सी के लिए मैं करवा रहा हूँ ठीक है एन एच पी सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैं लेके आऊँगा बाकी आप सभी लोग सपोर्ट करो और टेन के सब्सक्राइबर करवाओ जल्दी जल्दी ठीक है चलिए तो सभी लोगों ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी और बाकी सभी लोग खुश रहें और चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है जय हिंद जय भारत